नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक प्राचीन तरीका जो कि नाड़ी देखकर रोग बताने का सबसे प्राचीन तरीका है, इसके बारे में। नाड़ी परीक्षा कहते हैं दोस्तों इसको। बहुत पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ योग रत्नाकर में लिखा गया है कि रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर की 8 प्रकार से परीक्षा करके रोग का निदान करना चाहिए। इसमें नाड़ी परीक्षा सबसे प्रथम विधि है। प्राचीन मतानुसार नाड़ी परीक्षा द्वारा शरीर का वात, पित्त, कफ या दिलदोषज दोनों रोगों को ज्ञात करते हैं। यद्यपि संपूर्ण शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, लेकिन अंगूठे से मूल प्रदेश वाली नाड़ी की विशेष रूप से परीक्षा की जाती है। यह संपूर्ण शरीर में फैली हुई मानी गई। आयुर्वेद में पारंगत वैद्य नाड़ी परीक्षा से रोगों का पता लगाते हैं। इससे ये पता लगता है कि कौन सा दोष शरीर में विद्यमान है। ये बिना किसी महंगी या तकलीफदायक डायग्नोस्टिक तकनीक के बिल्कुल सही निदान करती है। जैसे कि शरीर में कहां कितने साइज का ट्यूमर है, किडनी खराब है या ऐसा कि कोई और जटिल से जटिल रोग हो, उसका पता लग जाता है। दोस्तों महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां हाथ देखा जाता है। कलाई के अंदर अंगूठे के नीचे जहां पल्स महसूस होती है और 3 उंगलियां रखी जाती हैं। अंगूठे के पास की उंगली में वात, मध्य वाली उंगली में पित्त, अंगूठे से दूर वाली उंगली में कफ महसूस किया जाता है। वात की पल्स अनियमित और मध्यम तेज चलेगी, पित्त की बहुत तेज पल्स महसूस होगी, कफ की बहुत कम और धीमी पल्स महसूस होगी। तीनों उंगलियां एक साथ रखने से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा दोष अधिक है। प्रारंभिक अवस्था में ही उस दोष को कम कर देने से रोग का निदान हो जाता है। एक ही दोष की भी कई प्रकार की पल्स होती हैं, जिससे रोग का पता लगता है। इसलिए इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। और दोस्तों कभी कभी 2 या 3 दोष एक साथ हो सकते हैं। नाड़ी परीक्षा अधिकतर सुबह उठकर आधे घंटे से 1 घंटे बाद करते हैं, जिससे हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता लगता है। और दोस्तों सही निदान करने वाले नाड़ी पकड़ते ही 3 सेकंड में दोष का पता लगा लेते हैं, और वैसे आमतौर पर 30 सेकंड तक इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, तब दोष का पता लगता है। दोस्तों ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इसकी मदद से आप इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। मृत्यु नाड़ी से कुशल वैद्य भावी मृत्यु के बारे में भी बता देते हैं। आप किस प्रकृति के हैं, वात प्रधान, पित्त प्रधान या कफ प्रधान या फिर मिश्र, खुद करके देखें या किसी वैद्य से पता करके देखें। और दोस्तों ये भी सच है कि आजकल नाड़ी वैद्य प्राय लुप्त हो गए हैं, लेकिन क्योंकि आजकल की पढ़ाई किताबों में से कराई जाती है, कंप्यूटर पे कराई जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर है, केवल पैसा ही लक्ष्य बन चुका है। सबसे बड़ी बात, अगर इस चिकित्सा को दोबारा लागू करवाना है तो स्कूल कॉलेजों में लाखों रुपए में डॉक्टर बनाने बंद करने होंगे और फ्री की चिकित्सा प्रणाली का अल्प मूल्य पर शिक्षण संस्थान बनाने होंगे आश्रमों की तरह, तभी हम इस पद्धति को जीवित कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि अगर कहीं ऐसे वैद्य छुपे बैठे हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए या उन्हें सामने लाया जाना चाहिए, जिससे कि वो समाज का भला कर सके। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट्स और फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही।